आज हमारा टॉपिक है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी एक ऐसा कंडीशन है जब प्रेगनेंसी या जो फर्टिलाइज्ड ओवम का इम्प्लांटेशन है वो यूट्राइन कैविटी के एंडोमेट्रियम के अलावा अगर कहीं भी होता है तो उसको हम एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ओके, सो एनी प्रेगनेंसी अकरिंग आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी या इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रेगनेंसी इन विच द फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड एंड डेवलप्स आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी, दैट कंडीशन कैन बी कॉल्ड एज एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। इम्प्लांटेशन साइट्स की अगर हम बात करें तो जैसे हमने कहा कि जो यूट्राइन कैविटी का जो इनर लेयर है दैट इज़ द एंडोमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम के अलावा अगर कहीं पर भी इम्प्लांटेशन हो रहा है फर्टिलाइज्ड ओवम का उसको हम एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। सो एनी एरिया आउटसाइड द एंडोमेट्रियम कैन बी द इम्प्लांटेशन साइट इन द एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। ओके, तो उसको अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो इट कुड बी एक्स्ट्रा यूट्राइन साइट्स या फिर यूट्राइन साइट्स या इंट्रा यूट्राइन जिसको हम कहेंगे। एक्स्ट्रा यूट्राइन में सबसे ज़्यादा मतलब एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के सिचुएशंस में ही सबसे ज़्यादा जो देखे जाते हैं दैट इज़ द अकरेंस ऑफ एक्टॉपिक प्रेगनेंसी इन द फेलोपियन ट्यूब, और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है दैट इज़ इन द एम्पुला। ओके, सो अगर हम बात करें एक्स्ट्रा यूट्राइन की, यूट्रस के बाहर द प्रेगनेंसी कुड अकर इन द फेलोपियन ट्यूब, इट कुड अकर इन द ओवरी या फिर इट कुड बी इन द अबडोमिनल एरिया। अगर आप फेलोपियन ट्यूब की बात करें तो जैसे हमने कहा कि सबसे कॉमन है एम्पुला में, इसके अलावा हो सकता है इस्थमस में, इट कुड बी इन द इन्फंडिबुलम और इट कुड बी इन द इंटरस्टीशियल स्पेसेस। ओके, ओवरी में हो सकता है, इसके अलावा अगर हम एब्डोमिनल की बात करें तो पेरिटोनियल के अंदर भी हो सकता है, इंट्रा पेरिटोनियल रीजन, या पेरिटोनियम के बाहर भी हो सकता है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रीजन। ओके, यूट्रस की अगर हम बात करें तो यूट्रस में एंडोमेट्रियम के अलावा कहाँ हो सकता है इम्प्लांटेशन ज़्यादातर, इट कुड बी इन द सर्वाइकल रीजन या सर्विक्स, इट कुड बी इन द एंगल, सर्विक्स आप जानते हैं इट इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस। उसके बाद जो फेलोपियन ट्यूब है और जो यूट्रस है इसके बीच का जो स्पेस होता है, मतलब जहाँ से फेलोपियन ट्यूब यूट्रस में कनेक्ट होता है जो एक कर्व बनता है उसको एंगल कहते हैं, तो वो उस एंगुलर रीजन में हो सकता है। कईयों बार देखा जाता है कि एंगल को क्रॉस करके जो नैरो एरिया ब्रॉड होने लगता है यूट्रस का उसको हम कॉर्नुआ कहते हैं, तो कॉर्नुअल रीजन में भी इम्प्लांटेशन हो सकता है। ओके, सो इट इज़ दीज आर द इम्प्लांटेशन साइट्स इन केसेस ऑफ एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। रिस्क फैक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो अगर प्रायर कोई हिस्ट्री है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी की तो उसकी वजह से भी आगे आने वाले प्रेगनेंसीज में एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं। फेलोपियन ट्यूब में अगर कोई सर्जरी हुई है तो उसकी वजह से भी फेलोपियन एक्टॉपिक या ट्यूबल एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी IUDs, अगर फीमेल ने इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज़ किए हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ओके, इट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी इन्फेक्शन, जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं जैसे क्लमाइडिया, गोनोरिया, ये सारे जो होते हैं उनकी वजह से हो सकता है। अगर मदर का एज 35+ है तो वो भी एक बहुत फेवरेबल चांस होता है जिसकी वजह से एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। स्मोकिंग, अल्कोहल, इलिसिट ड्रग्स, ये सारे एक रीज़न हो सकते हैं। हार्मोनल फैक्टर्स की वजह से, हार्मोनल एबनॉर्मैलिटीज़ की वजह से एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। इसी के साथ साथ कॉन्जनाइटली या मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी ऐसा हो सकता है कभी कभी कि फेलोपियन ट्यूब का जो शेप है या अदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का जो शेप है वो ऑल्टर्ड हो सकता है, और उसकी वजह से भी जो ओवम है, फर्टिलाइज ओवम है, उसके मूवमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है और वो एंडोमेट्रियम के अलावा और कहीं पर जाके इम्प्लांट हो सकते हैं एंड दैट कुड लीड टू एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। क्लिनिकल फीचर्स को समझने से पहले हम इनके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी की। तो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी या ट्यूबल प्रेगनेंसी जो सबसे कॉमन है उसमें हम देखते हैं कि तीन फीचर्स में हो सकते हैं। इट कुड बी एक्यूट या फिर रप्चर्ड या फिर अनरप्चर्ड एक्टॉपिक प्रेगनेंसी या क्रॉनिक एक्टॉपिक प्रेगनेंसी जिसको ओल्ड एक्टॉपिक प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। ओके, एक्यूट कंडीशन तब होता है जब फेलोपियन ट्यूब या जो फेलोपियन ट्यूब एक्चुअली रप्चर हो जाता है और एक ही बारी में पूरा जो ब्लीडिंग के साथ जो ओवम है वो इवैक्यूएट हो जाता है, दैट इज़ द एक्यूट फॉर्म, और ये बहुत कम होता है। इसके अलावा सेकंड है रप्चर्ड अनरप्चर्ड फॉर्म। अनरप्चर्ड
को डायग्नोज करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसके कोई साइंस नहीं होते हैं और वो एक्सीडेंटली किसी और टेस्ट के दौरान पता लग जाता है. ओके और जो सबसे कॉमनेस्ट फॉर्म होता है वो है क्रॉनिक फॉर्म या ओल्ड फॉर्म ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी. जो क्रॉनिक फॉर्म ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसमें धीरे धीरे वजाइनल ब्लीडिंग के साथ ये जो प्रेगनेंसी का जो कंसेप्शन का जो बी मटेरियल है वो इवैक्यूएट होता है एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली अकरिंग एक्टोपिक प्रेगनेंसी. ओके अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की. सो क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्यूट एक्टोपिक प्रेगनेंसी की. एक्यूट एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ट्रायड सिम्टम्स से जाना जाता है जिसमें आता है सबसे पहले एमिनोरिया विच इज़ दी बेसिक साइन फॉर प्रेगनेंसी. सेकेंड है वजाइनल ब्लीडिंग जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में नहीं होना चाहिए एंड द थर्ड वन इज कॉलिकी पेन. ओके कॉलिकी एब्डोमिनल पेन, कॉलिक जो स्पैज्मिक पेन्स होते हैं एब्डोमिनल पेन्स वो होते हैं और ये तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिनको हम ट्रायड्स कहते हैं जो एक्यूट एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके इसके अलावा नौजिया वॉमिटिंग के चांसेस होते हैं, फेंटिंग अटैक्स आते हैं, बिल्कुल जो व्यक्ति हैं वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ चले जाएं वहाँ तक हो सकता है, वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, हेमरेज पे डिपेंड करता है कि कितना पेलनेस फीमेल की बॉडी में फील होगा या ऑब्जर्व कर पाएंगे हम. शॉक के फीचर्स भी नज़र आते हैं, शॉक के फीचर्स जैसे पल्स बहुत रैपिड हो जाता है, बीपी ड्रॉप करना स्टार्ट करता है, हाइपोटेंशन हो जाता है और जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं हाथ और जो पैर हैं वो बहुत ठंडे और क्लैमी हो जाते हैं. ओके इसके अलावा एक्यूट जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है उसमें बहुत कॉमनली देखा जाता है पॉजिटिव क्यूलिन साइन. क्यूलिन साइन जो होता है दैट इज़ दी एकाइमोसिस या पर्पलिश डिस्कलरेशन इन दी पेरी अम्बलाइकल रीजन. पेरी अम्बलाइकल का मतलब है अम्बलिकस के चारों तरफ या अम्बलिकस के जो आउटर बॉर्डर है उसमें पर्पलिश कलर आ जाता है जिसको हम एकाइमोसिस कहते हैं. वो किस वजह से हो रहा है, वो हो रहा है पेरिटोनियल रीजन में हेमरेज की वजह से. ओके सो दैट इज़ अ पॉजिटिव क्यूलिन साइन. इसके अलावा वेजाइना जो है वो पेल दिखता है एग्जामिनेशन के वक्त, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दी ब्लीडिंग. इसके अलावा जो पाउच ऑफ डगलस है, पाउच ऑफ डगलस कौन सा पार्ट होता है जो यूट्रस और रेक्टम के पीछे जो एरिया होता है एक पाउच टाइप का पतला सा, उसको हम पाउच ऑफ डकलस कहते हैं. नॉर्मली उसमें थोड़ा बहुत फ्लूइड एक कॉमन अपीयरेंस है लेकिन अगर एक्स्ट्रा यूट्राइन या फिर किसी भी और तरीके का अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रहा है और उसमें रप्चर्ड प्रेगनेंसी है, क्योंकि हम यहाँ पे रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, एक्यूट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये ब्लड जो है वो पाउच ऑफ डगलस में भरने की वजह से जब हम पाउच ऑफ डगलस को एग्जामिन करते हैं तो वो बहुत फ्लक्चुएटिंग और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील होता है. ओके सो सॉफ्ट फ्लक्चुएटिंग डाउची टेंडर दैट इज वेरी जिसको हम पैल्पेट कर सकते हैं पैल्पेबल सॉफ्ट मास की तरह, फुलनेस इज फेल्ट इन द पाउच ऑफ डगलस दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्लड एक्यूमुलेशन. ओके टेंडरनेस और डिफ्यूज टेंडरनेस, डिफ्यूज टेंडरनेस का मतलब है बहुत वाइड स्प्रेड टेंडरनेस जो होता है वो फील कर पाते हैं हम लोअर एब्डोमेन में, एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाले मदर्स के लोअर एब्डोमेन में एक्यूट फीचर है, एक्यूट प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का फीचर है. और साथ ही साथ मसल गार्ड होता है. मसल गार्ड का मतलब है कि मसल्स ऐसे लगते हैं जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए या किसी एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर्ड हैं. ओके सो दैट इज द फॉर्म दैट वी ऑब्जर्व इन दी लोअर एब्डोमेन. अगर हम क्रॉनिक कंडीशंस के बारे में बात करें, क्रॉनिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो ये सारे फीचर्स में से कुछ फीचर्स तो हमें देखने को मिलते ही हैं. साथ ही साथ जो वेजाइनल ब्लीडिंग है वो डार्क कलर्ड होता है क्योंकि क्रॉनिक फीचर में ये ब्लीडिंग सारा एक्यूमुलेट होके हेमाटोसील बना लेता है पाउचेस में एंड उस वजह से जो ब्लीडिंग होती है तो वो बहुत डार्क होता है, फ्रेश ब्लीडिंग जैसा नहीं लगता है. ओके इसी के साथ साथ पाउच ऑफ डगलस में से पेल्विक इफ्यूशन कर हम जो ब्लड कंटेंट है उसको निकाल सकते हैं. इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए तो ब्लैडर इरिटेशंस हो सकती हैं. इन्फेक्टेड हिमाटोसील, जो हिमाटोसील जो ब्लड का पाउच बन गया है उसमें अगर इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाए तो उस वजह से रेक्टल टेनिसमिस फील हो सकता है. रेक्टल टेनिसमिस का मतलब है कि स्टूल पास करने के बाद भी, मतलब जब स्टूल
पूरा इवैक्यूएट हो चुका है, एम्प्टी बाउल है, उसके बाद भी जो पर्सन है वो फील करते हैं कि उन्हें और इवैक्यूएट करना है और वो स्ट्रेन करने की कोशिश करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो पूरा जो स्टूल है उससे एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ रेक्टल टेनिसमस। ओके, इसके अलावा इन्फेक्शन की वजह से हाइपरथर्मिया या फीवर हो सकता है। बाई मैनुअल एग्जामिनेशन जो करते हैं वो बहुत पेनफुल होता है। इसके साथ साथ आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो पाउच ऑफ डगलस है उसमें पूरा ये ब्लड और पस वगैरह भरने की वजह से वहाँ पे हमें इल डिफाइंड, मतलब स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं होता, बहुत बॉगी सा एक्सट्रीमली टेंडर मास जो है वो फील किया जा सकता है। अगर हम वेजाइना के पोस्टीरियर लैटरल फॉर्निक्स के थ्रू, वॉल के थ्रू अगर हम फिंगर इंसर्ट कर एग्जामिन करें तो हमें पाउच ऑफ डगलस जो है उसके अंदर के एक्यूमुलेशन की वजह से वो इल डिफाइंड, बॉगी और एक्सट्रीमली टेंडर फील होंगे। ओके, सो दैट इज द सिम्टम्स ऑफ द क्रॉनिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी। लास्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में कल्डोसेंटेसिस किया जा सकता है। दिस इज यूजुअली डन ड्यूरिंग दी एक्यूट एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड ऑल्सो इन दी क्रॉनिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कल्डोसेंटेसिस, कल्डोसैक जो होता है वो सैक है जो प्रेजेंट होता है एंटीरियरली और पोस्टीरियरली। तो पोस्टीरियरली जो यूट्रस और रेक्टम के बीच में पाउच है उसी कल्डोसैक को हम क्या कहते हैं, पाउच ऑफ डगलस कहते हैं, जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। तो उसमें से फ्लूइड निकालकर टेस्ट किया जा सकता है इन्फेक्शन के लिए, ब्लड के लिए। ब्लड का एग्जामिनेशन किया जा सकता है HB के लिए, ब्लड ग्रुपिंग वगैरह के लिए। एस्टिमेशन ऑफ बीटा HCG का काउंट देखा जा सकता है। सोनोग्राफी किया जा सकता है एब्डोमिनली भी और साथ ही साथ ट्रांसवेजाइनल USG भी किया जा सकता है। लैप्रोस्कोपी की जा सकती है, जैसे हमने बोला कि एब्डोमिनली एक्टोपिक प्रेगनेंसीज के चांसेस हैं तो लैप्रोस्कोपिकली भी हम टेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रोजेस्ट्रॉन लेवल को चेक किया जाता है। 5 mg/ml से कम है तो दैट इज़ अ वेरी इंडिकेटिंग सिचुएशन कि ये नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है। ओके, क्योंकि नॉर्मल प्रेगनेंसी में इट वुड द वैल्यू वुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 25। ओके, सो ये होते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो आज हमने इस सेशन में बात किया एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, आप उसे क्लिक करें, ऐप को विजिट करें, वहाँ पे आपको ऐसे ही और टॉपिक्स और उनके नोट्स अवेलेबल होंगे। थैंक यू।